वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको क्या लग रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ ये बैग टांग के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्कूल नहीं, मैं जा रही हूँ अपने भाई के रूम में छुपने। आज मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे को ना सब उल्लू बनाते रहते हैं, इसकी भाभी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है मेरे भाई की लाइफ में जो मुझसे छुपा रहा है। तो मैं आज उसके गेमिंग रूम में 24 आवर्स तक स्नीक इन करने वाली हूँ। उसको पता नहीं होने वाला कि मैं वहाँ पे हूँ। और ये बैग मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज तक जितने भी मैंने ये चैलेंजेस करे मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। बहुत देर से बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं होता, मुझे भूख लगती है और सब मुझे पकड़ लेते हैं। इस बार मैंने डिसाइड करा है मैं खाना लेके जाऊंगी और चुपचाप उसके रूम में छुपूंगी। बट उस रूम तक पहुंचने के लिए मुझे चाहिए होगी उसके रूम की चाबी, तो मम्मी के साथ थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। 24 आवर्स में रहने वाली हूँ अपने भाई के कमरे में। It's gonna be a lot of fun. मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजा आने वाला है। Let's go guys. प्रेरणा तूने इतना बड़ा बैग लिया, इसमें क्या आएगा यार? यार जितना मुझे खाना है उतना तो आ ही जाएगा आई थिंक। कुछ भी नहीं, एक पैकेट भी नहीं आ पाएगा। कर देती उसको। कोई नहीं, वैसे ही मैं तेरा प्लान तो फेल कर दूंगा, मैं बता दूंगा उसको, तो छुपी हुई है। व्हाट डू यू मीन फेल कर दूंगा? मैं बता दूंगा, तू जो मर्जी कर। मेरे को जाने ही नहीं, मैं कर ही नहीं रही। मैं चाहता ही नहीं तू कोई भी चैलेंज जीते। यार तू कितना बुरा है यार। एक तो पहले मेरे को वहां जाके सबको मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा कि मुझे उसके रूम की चाबी दे दो, ऊपर से तू यहां पे मेरे को यहां पे बता रहा है कि मैं तेरा चैलेंज फ्लॉप कर दूंगा। बात तो सही कह रही है, बट मेरे को ना मतलब खाना हजम नहीं होगा अगर किसी चैलेंज में तू सक्सेसफुल हो गई तो। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं मुझे नहीं पता लग रहा, बट कोई नहीं, तेरी हेल्प करेंगे यार, करेंगे तेरी हेल्प। आई एम ऑल सेट, नाउ लेट्स गो। इससे पहले कि वो उठ जाए, चलो चलते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, मम्मी आप आए हो, थैंक गॉड। तू कैसे? बस आज सरप्राइज। मम्मी सरप्राइज तो देने आई हूँ, पर घर में नोनू तो नहीं है ना? नहीं। चलो फिर अंदर आओ मेरे साथ। आओ, कम इन, कम इन, कम इन। दरवाजा तो बंद करने दे मेरे को। आओ तो सही यार। तो मैंने ना एक वीडियो बनानी है और मैंने सोचा है कि आज नोनू पे स्पाई करने वाली हूँ। 24 आवर्स ना मैं उसके गेमिंग रूम में छुपने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि वो क्या क्या करतूते करता है। आप इंटरेस्टेड हो देखने में क्या करता है? आपको भी तो नहीं आने देता अंदर? हाँ, चल देखते हैं आज। चलो देखते, बट आपको ना बताना नहीं, उसे पूरे दिन पता नहीं लगने देना कि मैं यहाँ पे घर में छुपी हुई हूँ, और मुझे उसके रूम की चाबी भी दो। अभी मैं वेट करती हूँ, अभी तो वो 2 घंटे उठने नहीं वाला। जैसे उठने वाला होगा मैं ऊपर छत पे जाके छुपूंगी, और फिर जैसे वो नीचे आएगा उसके रूम के अंदर पक्का। डन डील ना? डन डन डन। ये मम्मी, लेट्स गो गाइस। जल्दी से दे दो। ओ फाइनली, फाइनली मैं इसके रूम के अंदर आ चुकी हूँ गाइस। ओ शिट, चाबी यहाँ नहीं रखनी, चाबी तो अपने पास रखनी है। सो एज यू कैन फाइनली सी, मैं आ चुकी हूँ निश्चय के रूम के अंदर। और गाइस आई मस्ट से, पूरी रात से बंदे ने अपना पीसी नहीं बंद करा। Oh no! शिट, मैं अपना फोन साइलेंट पे करना भूल गई। थैंक गॉड मेरा फोन फाइनली ऑफ हो गया है। अभी अगर निश्चय आता भी है तो उसको पता नहीं लगेगा। वैसे तो वो अभी 2-3 घंटे कहीं नहीं आने वाला, तो मैं आराम से इसके बेड पे लेट के चिल कर सकती हूँ। आ हा, क्या मजा आ रहा है निश्चय के कमरे के अंदर। यहाँ उसके सारे प्ले बटन लगे हुए हैं, यहाँ मैं और यहाँ देखो, यहाँ भी मैं और यहाँ भी मैं। क्या बात है, निश्चय ने मेरी और अपनी पेंटिंग लगाई हुई है यहाँ पे। वाओ, ये इसका सिस्टम, ये पक्का कुछ शूट कर रहा होगा। ये नहीं देखी मैंने लाइट्स आज तक यार, ये कैसे ऑन होती है? नाइस, बढ़िया लग रही है यार। और ये भाई साहब की इतनी अमेजिंग वॉल, क्या मस्त लग रही है यार। जेन्युइनली बता रही हूँ, हम सबको ऐसा लगता था, मुझे, अभिषेक, हर्ष, मम्मी, इसने पक्का किसी को ना अपने गेमिंग रूम में छुपा रखा है, तभी यहीं पे रहता है पूरे टाइम, डोटा खेलता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है पूरे दिन। अभी आज पता लग जाएगा कि करता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये आएगा ये कुछ ना कुछ करेगा, पता लगेगा इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लेता है यहाँ पे एक ही रूम में। चलो मेरा आज के लिए ये रूम होने वाला है, खोलते हैं इसको। काफी बड़ा बाथरूम है, तो पूरा दिन तो मैं यहाँ पे स्पेंड कर ही सकती हूँ आई थिंक। फाइनली मेरी जिंदगी में लाइट आ चुकी है, बट आई हैव टू कीप वेरी क्वाइट। बट मुझे बहुत ज्यादा चुप रहना पड़ेगा, बिकॉज निश्चय बहुत स्मार्ट है, मतलब आई थिंक हमारी पूरी फैमिली में सबसे स्मार्टेस्ट वही है। उसको इतना सा भी आइडिया हो गया ना कि कोई है उसके रूम में, वहीं पे पूरा खेल खत्म। तो अभी मुझे यहाँ पे चुपचाप बैठना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं कभी भी आ सकता है, ही इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो भाई मुझे लग रहा है आजकल बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी कर रहा है। वो तेरा भला है, मारेगा मेरे को पकड़ के। तो गाइस एक बाथरूम तो छुपने की बहुत ही परफेक्ट जगह हो गई है मेरे लिए, बट और भी जगहें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि इस अलमीरा में भी हम छुप पाएं। ओह नो, मम्मी ने अपना सारा सामान इस अलमारी में भरा हुआ ऐसा लग रहा है। ना ना मैं नीचे छुप सकती हूँ ना ऊपर, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं छुप सकती, और यहाँ छुप सकती हूँ मैं? अबे भाई यहाँ भी नहीं छुप सकती मैं। ओके गाइस, अब काम की बात करते हैं, फटाफट कैमरा को सेट करते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे सेट कर देते हैं। ऑलरेडी इस बंदे के 2-3 फोन पड़े हुए हैं यार यहाँ पे, कमाल का बंदा है भाई।
आपको क्या ही पता चलेगा। अभी ना मैं ये चाहती हूँ कि निश्चय ना रूम में आए ना, मैं उसके बस रूम में पूरा दिन ऐसे निकाल दूँ, क्योंकि वो आता है ना तो मुझे फिर डर लगता है, मैं पकड़ी जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ इन चीजों में और वो बहुत स्मार्ट है। आई थिंक निश्चय आ रहा है, आई मस्ट गो इन द बाथरूम। अगर उसने मुझे पकड़ लिया ना, मैंने सारा सामान अंदर रख दिया। लेट्स गो। लाइट्स ऑफ करनी कैसे भूलती हूँ मैं, लाइट्स ऑफ करनी भूलती तो अभी पकड़ी जाती। मुझे आवाज़ तो आई थी कि वो आने वाला है, पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे आवाज़ आई थी कि निश्चय आ रहे हैं। आई थिंक आते ही डोटा खेलने लग गया है, पर मुझे भूख लग रही है। ये तो पता नहीं अभी 3-4 घंटे तक बस डोटा खेलने वाला है, मैं आराम से स्नैक्स खाऊंगी। कुछ कुछ बोल ही जा रहा है, गाना गा रहा है। मुझे आज पता लगा मेरा भाई अपने आप से बातें करके बड़ी देर से कुछ बोला नहीं, क्या कर रहे हैं? ये इतना चुप कैसे रह सकता है? क्या ये अंदर आ रहे हैं? मुझे लग रहा है ये अंदर आ रहे हैं। ओके गाइस, फाइनली निश्चय जा चुका है एंड अभी हम मजे करेंगे इसके रूम में। आहा, निश्चय की सीट। तो फाइनली निश्चय जा चुका है और अभी फिर से हम इसके गेमिंग रूम में ऑल अलोन है, सो मजे करेंगे इसकी सीट पे। आहा मखदूमी, बड़ा मजा आ रहा है यार इसकी सीट पे बैठ के। हाँ चलो कैमरा सेट करते हैं और जैसे निश्चय इंट्रोडक्शन करते ना वैसे ही करते हैं। तो गाइज ऑफ कोर्स मैं निश्चय के जैसा इंट्रोडक्शन तो कर नहीं सकती, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं उससे ऐसा इंट्रोडक्शन करूं, क्योंकि आज हम उसके गेमिंग रूम को हाईजैक कर चुके हैं। तो गाइज मेरा नाम है मखदूमी, इसी बात पे आप सभी के लिए बहुत प्यारी सी चुम्मी, और मैं हूँ छगन, छगन द व्लॉगर। मुंबई हैदराबाद जो बोलो सब घूम के आ चुका हूँ मैं, मतलब नहीं कर सकती यार मैं उसके जैसा। ही इज वन पीस, ऐसा सिंगल पीस मैंने कहीं नहीं देखा, मेरे भाई जैसा कोई हो भी नहीं सकता। एनीवे गाइस बड़ा मजा आ रहा है ऐसे इस पर बैठ के ना, फील ही अलग है। वैसे गेमिंग रूम है ना इसका बड़ा ही ऑसम बना हुआ है, आई स्वेयर मजा आ रहा है। एक माइक वाइक इसने आई थिंक नया मंगाया। हेलो हेलो, क्लास है यार बंदे में, बात है। आजकल ये इन चीजों का भी शौक चढ़ा हुआ है इसको, सही है यार, बढ़िया बंदा बन गया है तो। ओए होए होए, जी हाँ मैं हूँ खलनायक। आई थिंक निश्चय आ रहे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यस, कम ऑन, एक्सरसाइज। मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, ये पागल पागल हो गए क्या? निश्चय, निश्चय, निश्चय! It was at this moment that he knew he fucked up. निश्चय कॉल! चोरी चोरी छुप ले मेरे बाथरूम में। कॉल यार! तू छुप ले बाथरूम में। यार ये क्या मतलब होता है यार? हेलो। तुझे कब से पता था मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ? स्टार्टिंग से तू झूठ बोल रहा है, तेरे को कुछ नहीं पता था। मुझे तब से पता है जब से तू अपने घर से निकली है ना। अच्छा, तब से पता है मुझे। कैसे पता तेरे को? क्योंकि मैं असली डिटेक्टिव मखदूमी हूँ। अरे तू रहने दे, तू बहुत चीटर है। तू चीटर है, मेरे बाथरूम का दरवाजा खुला कभी नहीं होता। खुला कैसे था? मैं अंदर देखो ऐसे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। Like, seriously, तू बना ले वीडियो, खुश हो ले, तेरे को तसल्ली मिल जाएगी, वरना तेरा भांडा तो मैं फोड़ देता पहले ही वीडियो शुरू होती।
फिर को वॉच टाइम नहीं मिलता नहीं आते। यार पर हमें पता नहीं चला कि तू एक्चुअल में क्या करता है अपने रूम के अंदर। यार हम लोग सब इतने इंक्विजिटिव थे जानने के लिए कि पूरे दिन तू इस रूम में क्या करता है आखिर। मैं सिर्फ खेलता हूँ और सोता हूँ। कैसे कोई इंसान इतना बोरिंग कैसे हो सकता है? बट मैं ऐसा ही हूँ। मम्मी को पता था, मम्मी ने बताया ना तुझे। अभी देख मम्मी से पूछ के आती हूँ। अरे तू ये दरवाजा खोल के बैठी हुई है, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, मैं बंद करने तो अंदर कॉर्नर पे दिख गई यहाँ पे बैठी हुई है। क्या है ये क्या है? मन तो कर रहा था तभी दरवाजा खोल के दो लाते थे, तू मैं ऐसा फंस गया थे। मम्मा इस घर में पक्का कोई गद्दार है जिसने मुझसे गद्दारी करी है हर बार की तरह। क्या हुआ? मैं फिर से जीत रही थी, स्पाय कर रही थी, अभी पता ही लगने वाला था ये क्या करता है रूम के अंदर। मम्मा आपने बताया ना इसको कि मैं छुपी हुई थी। मुझे पता है गद्दार कौन है, मैं बता सकता हूँ। कौन है गद्दार? तू है गद्दार। मैं हूँ गद्दार? तू नूब है। नूब तू होगा, नूब मत कहिया मुझे। तेरे को अच्छे से छुपना भी नहीं आता। तू रहने दे, तू दरवाजा खोल के कर रही है। मेरे बाथरूम का दरवाजा खुला होगा तो मैं जाके ये देखूंगा नहीं। मम्मा आपने बताया ना इसको? आपने बताया? बिल्कुल भी नहीं बताया। या गाइस सो ये तो अपना मुंह सड़ा के बैठ गई है। तू क्यों नहीं तुझसे बात करनी? तू क्यों इतनी नाराज है? तू अच्छा नहीं है, तू मेरा अच्छा भाई नहीं है, तू मेरे साथ हमेशा चीटिंग करता है। क्योंकि मैं तेरे नकली डिटेक्टिव स्किल्स को बहुत इजीली डिकोड कर दिया। मैं बहुत स्मार्ट हूँ पता है। देख नकली वाली नूब वाली डिटेक्टिव है। हेलो, यू कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ डिटेक्टिव छगन। मतलब देख मेरी बात सुन, ये बात मैं चार बार बोल चुका हूँ, बट मेरे बाथरूम का दरवाजा कभी खुला नहीं होता यार। वो दरवाजा खुला, मैं बंद करने लगा तो पीछे बैठी कैमरा पकड़ के कितनी देर मैंने प्ले अलोंग करा है, पता है? हलो हलो, और अभी भी हम ये बात कर रहे हैं तो वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं तेरा। अरे तू रहने दे, तेरे को पता है कि मैं वहाँ, मुझे पता है कि यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो तो मिनिमम डालनी पड़ती है। पता था तुझे, बिल्कुल तब तक आइडिया नहीं हुआ था जब वो दरवाजा खुला रह गया मुझसे, तब पता लग गया होगा। सुबह से मैंने इतनी मेहनत करी, पूरी चाबी वाबी ली मम्मी से, ये चीटिंग है, एक बार एक्टिंग ही कर देता यार। कर तो रहा था, कितनी तो एक्टिंग करी, बॉक्सिंग की मेरी एक्टिंग देखी तूने? वो भी एक्टिंग थी। अच्छा यार तू इतना बुरा मत मान, चल मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से धागे ऊपर बैठ जाता हूँ और इस बार मैं ढंग से करूंगा, कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो 0 IQ वाला हूँ, एकदम बेवकूफ मूर्ख, वेरी डम। मैं तो वो हूँ जिसको लगता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है पृथ्वीराज चौहान। मैं नाम यार मेरा दिल रखने के लिए बोल देता कि नहीं तूने बहुत अच्छी कोशिश करी, तू बन सकती है डिटेक्टिव। तू बन सकती है डिटेक्टिव, तू बिल्कुल बन सकती है डिटेक्टिव। मैं जाता हूँ ऊपर और फिर से बैठ जाता हूँ, ठीक है? तू एक्टिंग करियो जैसे सब एकदम नॉर्मल है, फिर से रिकॉर्ड कर लियो। पक्का? गाइस आप क्या चाहते हो इसके बाद? वैसे मैं किस पे स्पाई करूँ? मेरे स्पाई स्किल्स काफी अच्छे हैं, आपको अब तक तो पता लग ही गया है। 3 बार स्पाई कर चुकी हूँ मैं और 3 बार फ्लॉप हो गई हूँ। 4th बार किसी ऐसे बंदे को करूंगी जिसका IQ ना मुझसे भी थोड़ा कम हो। तेरे को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? तुझे पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? जीजू की। सब मजाक कर रहा हूँ। इंसान यू आर माय नेक्स्ट टारगेट। जीजू तो मुझसे भी हाई IQ है। फुकरा इंसान इज माय नेक्स्ट टारगेट। तो या गाइस होप यू गाइस एंजॉयड, लाइक द वीडियो। जो मैं फ्लॉप हो गई। नहीं फ्लॉप नहीं, सुपर हिट सक्सेसफुल। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर या सब जो भी होता है। बाय बाय।